सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारयां दा अपने यूट्यूब चैनल ते। अज आपां बनावांगे जी बीनस ते मशरूम दी सब्जी, खुंबां दी ते बीनस दी। बहुत ज़्यादा वधिया इह सब्जी बन के तैयार हुंदी है। सुक्की सब्जी आपां बना के तैयार करांगे मिक्स जी। तुसीं इहनूं रोटी नाल, परौंठे नाल, पूरी नाल, जिवें तुहानूं वधिया लगदा तुसीं खा सकदे हो। बहुत ज़्यादा सौखे जे तरीके नाल आपां बनावांगे। कोई आपां नूं मसालियां दी लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ बेसिक मसाले पावांगे, लूण मिर्च ते हल्दी। लो जी, फलियां अपने घरे लगियां होईयां ने। आपां बूटे लाए सी, कुछ कुग पे सी विचों ते कुछ क नहीं हरे होए बीज। इन्हां ते काफ़ी दिनां दीआं लगियां होईयां ने इह फलियां, ते इहनूं आपां तोड़ लैंदे आ। बहुत ज़्यादा वधिया स्वाद सब्जी बनदी आ इह, ते सारी 5-7 मिंटां च ही बन के तैयार हो जांदी आ। कोई टाइम भी नहीं लगता। तुसीं मशरूम नूं हरे छोलियां नाल भी खाधा होगा, मटरां नाल भी खाधा हो, पर एक बारी तुसीं बीनस दे विच पा के देखो, बहुत ज़्यादा स्वाद लगते ने इह। लो जी, फलियां आपां तोड़ लियां। ज़्यादा बूटे नहीं है, 4-5 क बूटे सी, उन्हां तों सारयां तों मैं तोड़ लियां। इन्हां नूं आपां डुंग लांगे, दोनों साइडां तों आपां कट लांगे इन्हां नूं, ते उस तो बाद आपां इहनूं चंगी तरह धो लांगे। कल्ले कल्ले नूं आपां डुंग लांगे, बिना रेह स्प्रे तों इह फलियां होईयां होईयां ने। उदों मीह पै गया सी जदों आपां बीज दब्बे सी, सो अद्धे क हरे नहीं होए। लो जी, फ्राई पैन आपां गैस ते रख लिया। जदों तक अपना उहदे विच्चों पाणी सुकदा, इह अदरक ते लसण आ मेरे कोल थोड़ी जी, इहनूं आपां कुट लांगे कुंडे दे विच। जे आपां लसण नूं इस तरीके नाल कुट के सब्जी च पाउंदे आ तां किसी होर मसाले की लोड़ नहीं। गर्म मसाला, चाट मसाला, सारयां दी घाट नूं इह पूरा कर दिंदा जे लसण चंगी तरह भुन्नी होवे सब्जी दे विच। ते आपां होर कोई मसाला नहीं पाउंदे सब्जी च। जिन्ना आपां सिंपल सीधा साधा खाणा बना के खावांगे, उन्ना ज़्यादा स्वाद होगा ते उन्ना ही उह सेहतमंद होगा। लो जी, पाणी सुक गया। एक चमचा मैं देसी घिओ दा पाता, ते एक चमचा इत्थे आपां मक्खण दा पावांगे, मखणी। थोड़ा जिहा मैं जीरा पाया, घिओ नूं बिल्कुल भी ज़्यादा साड़ना नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं करना, देसी घिओ सड़ जाता फिर जिहड़ा स्वाद आ वधिया नहीं आउंदा सब्जी दा। दो मीडियम साइज़ के प्याज ले, इन्हां नूं मैं बरीक चॉप कर लिया, कट लिया। हिला के आपां इहनूं भुन लांगे। मखणी दे विच सब्जी ज़्यादा स्वाद बनदी है देसी घिओ ते मखणी च, क्योंकि खुंबां देसी घिओ जां मखणी ची ज़्यादा वधिया बनदियां ने। बाकी तुसीं होर कोई घिओ तेल भी पा सकदे हो। 50% अपने प्याज आ जिहड़े भुज गए, ते हुण आपां इहदे विच अदरक ते लसण दा पेस्ट पा देंगे। तुसीं चाहो इत्थे कोई हरी मिर्च भी पा सकदे हो, पर आपां लाल मिर्च ही पावांगे अज्ज। हरिया मिर्चा है नहीं सी, सो जो भी होवे उसे तो बना के सब्जी तैयार कर लैनी आ। चंगी तरह आपां इहनूं भी लसण नूं भी भुन लांगे। लो जी, लसण भी चंगी तरह भुज गई, ते हुण आपां इहदे च पावांगे थोड़ी जी हल्दी, सब्जी दे हिसाब नाल लूण मिर्च, जिन्ना कु तुसीं खाने हो अपने हिसाब नाल पा सकदे हो। बिल्कुल थोड़ी जी मैं लाल मिर्च पाई है, कौड़ी नहीं हैगी, तुसीं अपने हिसाब नाल पाए। इहनूं भी आपां चंगी तरह मिक्स करके भुन लांगे 1-2 मिनट। गैस आपां बिल्कुल स्लो कीता होया। लो जी, मसाला आपां चंगी तरह भुन लिया। हुण आपां इहदे विच थोड़े जिहे आलू पाए ने, तुसीं चाहो पा सकदे हो। जे नहीं थोनू पसंद आलू, फिर तुसीं इहदे विचों स्किप भी कर सकदे हो। नाल ही आपां मशरूम पा देंगे ते बीनस पा देंगे। बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है यह सब्जी, तुसीं जरूर बना के देखो एक बारी। चंगी तरह आपां विच मिक्स कर देंगे तां कि सारा लूण मिर्चा जिहड़ा अपनी सब्जी नूं लग जाए। गैस बिल्कुल आपां इत्थे स्लो कीता होया, क्योंकि आपां मसाले दे विच पाणी नहीं पाया। जे तेज़ रखांगे फिर सब्जी सड़ जूगी। लो जी, उपर तो आपां ढकती, जिहड़ियां अपनियां मशरूम ने, खुंबां ने, वह पाणी छड्ड दिंदियां ने।
तो उस पानी के भुज जूगी। दोबारा फिर आप चेक कर लें एक बार, तकरीबन सब्जी अपनी बन आई हुई है। तो जे इतने ए लगे भी पानी सब्जी ने नहीं छड़िया थले लगती है, फिर तुसी छिट्टे नाल पानी पा सकते हो, कट्ठा पानी ना पायो। लो जी 5 मिनट हो गए, तो हुण आपां इहदे हरा धनिया पा देंगे क्योंकि सब्जी है जिहड़ी अपनी बन चुकी है। बहुत थोड़े टाइम च बहुत सिंपल जे तरीके नाल ही सब्जी बनती है, पर खाण च बहुत ज़्यादा वधिया लगती है। तुसी एक बारी बनायो। लो जी आप आलू भी देख दें, तुसी देख सकते हो भी आलू बिल्कुल पक गए अपने। धनिए भी आप चंगी तरह मिक्स कर देंगे, तो इनू आप ढक देंगे, गैस आप बंद कर देंगे। चलो जी मिलते हैं आप किसी होर नवी वीडियो के नाल, तद तक लिए सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। हसते वसते रहो, खुश रहो, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। थैंक यू।